अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जोफ़िया व्लॉग्स आज की अपनी इस प्यार सी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी प्यार सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हफ्ज़ मान में रखें ताला आप सबके खानों में बरकत दें और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला तौर से कामना नसीब करें आमीन तो जी आज की हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू गोश्त या आलू चिकन की बड़ी मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपी है बड़ी सिंपल सी लेकिन यूनिक तरीके से बनाई है तो चलिए चल के देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है हड्डी वाला गोश्त चिकन इधर हमारे पास है आलू इनको हमने क्यूब्स में काट लिया है और यहाँ पर हमारे पास है चॉप किया Onion. और इधर हमारे पास है जी सुरख मिर्च हल्दी है नमक है गरम मसाला साथ में पाउडर अदरक और लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर हमारे पास है टोमेटो प्यूरी तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो चलिए चल के इसको शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हमने ऑयल लेना है टू टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं आलू इन आलुओं को हमने करना है फ्राई इसको हम दम फ्राई करेंगे मतलब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसके बाद फिर हम इनको तकरीबन दो मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लें अभी हम इनको दम पे रख दिया तकरीबन दो मिनट बाद अब हम इनको निकाल लेंगे और जी यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर क्रिसपीनेस आ चुकी है तो इनको हम निकाल लेते हैं अब और अब हमने उसी ऑयल में हमने ऐड कर देना है प्याज चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देंगे और यहाँ पर हम आलुओं के ऊपर डाल देंगे जी जलजीरे का पाउडर इससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा टेस्टफुल हो जाएंगे अच्छा जी यहाँ पर अब हमने ऐड कर दिया है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट क्योंकि प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इस अदरक और लहसुन के पेस्ट के अंदर ऐड करेंगे गोश्त अपन चिकन और चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए स्मेल ख़त्म हो जाए इसकी यहाँ पर हम हम ऐड कर देंगे इसके अंदर स्पाइसेस जिसके अंदर है सुरख मिर्च है हल्दी है नमक है गरम मसाला है दड़ा मिर्च है और ये स्पाइसेस सब ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो ऑयल छोड़ दें अच्छा जी अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जी टमाटो प्यूरी और टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको फिर से हमने अच्छी तरह से भूनना है इसकी बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी सी बन जाएगी तकरीबन तकरीबन, तकरीबन पाँच से दस मिनट इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी और पाँच से दस मिनट भूनने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दही और ये दही जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था आप चाहें तो वैसे जो नॉर्मल रेगुलर जो दही होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अब फिर से हम इसको अच्छी तरह से ज़रा भूनेंगे अच्छा जी यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रेवी रेडी हो चुकी है ऑयल छोड़ दिया हुआ है दही ने भी और मसालों ने भी तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आलू और इन आलूओं के साथ अच्छी तरह से ज़रा इसको फिर से एक मरतबा भूनेंगे पाँच मिनट के लिए जितना आप भुनेंगे इसको उतना अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होता जाएगा अब यहाँ पर हमने ऐड कर देना है जी गरम मसाला और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मध्यम सी आंच पर आपने इसको रखना है और फिर जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी आड़, पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको रख देंगे ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तो मिलते हैं आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स जी तो आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जो हमने आलू फ्राई किए थे हमने उनका क्या किया तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमने उनके साथ क्या किया और यहाँ पर जो आलू फ्राई हुए हुए थे हमने उनको एज अ प्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से उनको रख दिया इस सालन के ऊपर क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से चीज़ आप प्रेजेंट करेंगे उतना खाने को ज़्यादा दिल करेगा तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा इन शाला मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द थैंक यू सो मच फॉर हाफिज़